हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 या क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये जो चैनल मैंने बनाया है वो स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। आपको मैथमेटिक्स की किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की में हो या एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी बता दूँ कि हमने फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको एक हैशटैग दिखाई देगा। आप उस हैशटैग पे क्लिक करें तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। आइए भी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, इसे फैक्टराइज करना है। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिमिलर है इसके जैसा ही। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने मतलब उन दो फैक्टर्स को फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर यह आता है, और इस वाले केस में किनको मल्टीप्लाई करने पर यह आता है वो बताना है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें आइए अभी हम अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये किसी टर्म का स्क्वायर है, वैसे ही ये भी किसी का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया हमें। फिर हम आगे चेक करते हैं क्या कहीं हमें सी स्क्वायर भी मिल रहा है क्या। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, मतलब ये दो टर्म्स का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन दिखता तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें और क्या चाहिएगा, टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें टू ए बी मिलता है क्या। अगर हमें यहाँ पर टू ए बी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर हमें यहाँ पर टू ए बी नहीं मिलता है तो हम हमेशा अपने मन से टू ए बी को ऐड कर देते हैं। पहले हम इसे ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फिर देखते हैं हमें टू ए बी मिल रहा है क्या। x के बदले हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। अभी हमें ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है, अभी हम यहां पर देख रहे हैं। अगर ये ए स्क्वायर है प्लस अगर ये बी स्क्वायर है तो फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के लिए और क्या चाहिए, टू ए बी, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए B। ये तो हमने लिख लिया, मतलब हमने हमें यहाँ पर और क्या चाहिए था, 2ab, ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर 2 चाहिए। तो हम चेक करते हैं ऊपर की हमारे पास 2 है क्या, ये रहा 2, मतलब ये 2ab के इक्वल था, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कौन सा टर्म बच गया, एक ये वाला टर्म बच गया और एक ये वाला टर्म बच गया, तो इसे हम ऐसे जस्ट लिख देते हैं माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। यहां पर हमें x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर मिल गया, और अगर हम इन दोनों टर्म्स पे ध्यान दें तो अगर हम यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो फिर क्या मिलता है हमें, x प्लस 1 अपॉन x। इसमें से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये माइनस 2x में से अगर माइनस 2 बाहर आ गया तो फिर अंदर क्या बचेगा, x। वैसे ही माइनस 2 अपॉन x में से अगर माइनस 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x। यहां पर x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर है और यहां पर एक बार x प्लस 1 अपॉन x है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x को कॉमन ले लें। x प्लस 1 अपॉन x अगर कॉमन आ गया तो फिर इसमें क्या बच रहा है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ऐसे हमने इसके दोनों फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आइए हाय फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड नंबर पार्ट में। सेकंड नंबर पार्ट में हमें फैक्टराइज करने बोला है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x। ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पार्ट है ये दोनों बहुत सिमिलर है, दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में था और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में था। ठीक है,
आइए देखिए, अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है तो फिर ए क्या होगा x और b क्या होगा 1 अपॉन x, तो हम x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये एज इट इज लिख देते हैं माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स, माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम यहां पर देखते हैं, ये तो हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहां पर क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि माइनस टू कॉमन लेने पर अंदर क्या बच रहा था x प्लस वन अपॉन एक्स, वैसे ही यहां पर देखते हैं, यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, यहां पर अगर हम माइनस टू कॉमन लेते हैं तो यहां पर भी फिर ब्रैकेट में हमें x माइनस वन अपॉन एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों टर्म से माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा x, और 2 अपॉन x अगर हम माइनस टू कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर क्या बचता है माइनस 1 अपॉन x। यहां पर भी एक फैक्टर है x माइनस 1 अपॉन x, और यहां पर भी x माइनस 1 अपॉन x, तो फिर हम x माइनस 1 अपॉन x को कॉमन ले सकते हैं। जब x माइनस 1 अपॉन x को हम कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मिल गया हमें हमारा आंसर। थैंक यू।